चंद्रयान 3 की रेडियो एक्टिव एक्सरो मशीन वर्ल्ड की फर्स्ट इनसीटू मेजरमेंट देगी हमें लूनर हाईलैंड रीजन का। इनसीटू मतलब वहां जाके लेना एक्चुअल स्पॉट पे। बट क्यों हम चांद को एक्सरे करेंगे और क्या इसरो ने सिमिलर एक्सपेरिमेंट कुछ सालों पहले किया है? इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है APXS यानी अल्फा पार्टिकल एंड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। कुछ लोगों को नाम समझ के ही पता चल गया होगा। ये माउंटेड है हमारे रोवर प्रज्ञान के फ्रंट के ऊपर। वो बेसिकली फोल्ड आउट होता है, नीचे आता है और मेजरमेंट लेता है। किस बात का मेजरमेंट? कि नीचे का सॉइल क्या क्या एलिमेंट्स है। ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर वो सब मेजरमेंट्स ले सकते हैं या वो सब एलिमेंट्स डिटेक्ट कर सकता है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम वगैरह, और उसके हमें कंपोजिशन बता सकते हैं। बट कैसे एक्सरेस फायर करने से हमें कैसे पता लगेगा? उससे पहले बड़ा सवाल है कि इतने छोटे रोवर में एक्सरे मशीन पावर करने का कैपेबिलिटी है। वेल काइंड ऑफ इसके ऊपर एक फ्री एक्सरे सोर्स है। समझाता हूँ क्यों। अगर आप इसका सेंसर हेड देखो तो आप देखोगे कि ऐसा कुछ बीच में गोल है और उसके आसपास ऐसे 6 सर्कल्स टाइप लगे हुए हैं। ये बीच में जो है वो है एक्सरे डिटेक्टर और साइड में जो 6 गोल गोल चीजें हैं उन हर एक के बीच में लगा है curium-244 रेडियो एक्टिव सोर्स। ये एक एलिमेंट है जिसका हाफ लाइफ बस 18 ईयर्स है। मतलब 18 ईयर्स में इसकी जितने भी क्वांटिटी है उसका हाफ डीके हो जाएगा और वो अलग अलग पार्टिकल्स बनेंगे। पर इस पूरे प्रोसेस में वो एक्सरेज और अल्फा पार्टिकल्स रिलीज करता रहेगा। ये आप स्टार्ट स्टॉप नहीं कर सकते, ये बस एक्सरेज रिलीज करता ही रहता है। चलो एक्सरेज तो आपको बता होगा वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सोर्स है लाइट की तरह, पर अल्फा पार्टिकल्स क्या है? अल्फा पार्टिकल्स एसेंशियली एक हीलियम एटम है जिसमें 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स है, जिसके उसे हैवी बनता है। तो आप किसी के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स फायर करोगे किसी एटम के ऊपर तो शायद उसका एक इलेक्ट्रॉन उड़ा दो। ये जो APXS है वो करीब 5-6 घंटे नीचे फेस करते रहेगा उनके पेपर के हिसाब से, जिसके बाद ही वो एग्जैक्टली बता सकते हैं कंपोजिशन सॉइल का कि इसमें क्या कौन से एलिमेंट्स हैं। बट ये काम कैसे करता है फंडामेंटल लेवल पे? देखो एक चीज है कॉल्ड XRF यानी एक्सरे फ्लोरोसेंस। ये अगर आपने सब्सक्राइब किया और आप प्रीवियस वीडियो देख चुके हो तो आपको पता ही है, पर मैं सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करता हूँ वापस। बेसिकली अगर आप एक एटम के ऊपर एक्सरे फायर करोगे पोटेंशियली आप उसका इनर शेल का लोएस्ट एनर्जी का कोई इलेक्ट्रॉन उड़ा दोगे, ठीक है? अब जब आपने इलेक्ट्रॉन नॉकआउट कर दिया एटम हो गया अनस्टेबल, राइट? तो अभी स्टेबिलिटी के लिए एक ऊपर का कोई एटम या इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएगा। तो जब ऊपर का इलेक्ट्रॉन नीचे आता है, ऊपर का इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल पे है, राइट, और नीचे का लोअर एनर्जी, तो उसी एक्सेस एनर्जी रिलीज करनी होगी कहां? तो वो रिलीज करेगा एज अ सेकेंडरी एक्सरे। ये जो एक्सरे रिलीज होगा अभी क्या है, ये जो एक्सरे रिलीज होगा वो फिंगरप्रिंट की तरह, जैसे हर ह्यूमन का अलग फिंगरप्रिंट होता है वैसे हर एटम का एक अलग सेकेंडरी एक्सरे का एनर्जी लेवल है। तो जो हमारा डिटेक्टर है वो एग्जैक्ट एनर्जी लेवल डिटेक्ट कर सकता है इस एक्सरेज की, और हम पिन पॉइंट कर सकते हैं कि सपोज कुछ सर्टन इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया तो ये एल्यूमिनियम है या ये आयन है। तो ये काफी कूल मेथड है डिटेक्ट करने का कि कौन से एटम्स या कौन से एलिमेंट्स है आपके जो भी है आपके एक्सपेरिमेंट में। पर इस केस में जैसे मैंने कहा अल्फा पार्टिकल्स भी है जो नॉकआउट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, तो उस केस में जब ये होता है उसे कहते हैं PIXE यानी पार्टिकल इंड्यूस्ड एक्सरे एमिशन। अब ये दोनों मिलकर ज्यादा एफिशिएंट बनाते हैं अलग अलग एटम रेंजेस को डिटेक्ट करने के लिए। ऑल्सो आपने एक और चीज नोटिस की होगी कि ये जो प्लेट है साइड में, राइट, सेंसर हेड के साइड में ही प्लेट था, ये कैलिब्रेशन प्लेट है। इसमें कॉपर, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील, ये 4 एलिमेंट्स लगे हुए हैं। ये नोन है तो हम कैलिब्रेट कर सकते हैं हमारे APXS को। अब देखो ऐसा नहीं है कि APXS कोई फर्स्ट टाइम चांद पे जा रहा है, इससे पहले नासा मिशंस, चाइनीज मिशंस पे जा चुका है, पर वो मोस्टली इक्वेटोरियल थे। ये फर्स्ट टाइम इस रीजन में हम मेजरमेंट लेंगे, और जैसे मैंने कहा ये काइंड ऑफ कर चुका है इसरो एक बड़े स्केल के ऊपर, और वो था चंद्रयान 2 के साथ। चंद्रयान 2 के ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट है कॉल्ड क्लास, जो भी एक एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है वो ऑर्बिट में है, वो रिमोट सेंसिंग कर रहा है बेसिकली। तो उन्होंने जो रिसेंट न्यूज आई थी कुछ साल पहले कि सोडियम मैप बनाया, ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा हूं, मैंने ब्लेंडर में उनका सोडियम मैप इंपोर्ट किया, ये जो सोडियम मैप बनाया उन्होंने वो उसी के मदद से था। उस केस में एक्टिव एक्सरे सोर्स नहीं था, जो सन से या जो सूरज से फ्री में एक्सरे आ रहे वो इस्तेमाल किए थे। ऑफ कोर्स इस केस में प्रज्ञान के साथ हमें ज्यादा स्पेसिफिक और बहुत हाई रेजोल्यूशन डेटा मिल रहा है। उस केस में ज्यादा क्या बिग पिक्चर ऑफ काइंड ऑफ है चंद्रयान 2 का, जो पूरे चांद का ज्यादा डिटेल में तो नहीं बता सकते हर एरिया का, पर एक ओवरऑल पिक्चर दे देता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है।